हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइज, करंटली टाइम हो रहा है अभी 11:30 और पापा जी कुकू के नोट्स बनाने में लग चुके हैं। क्यों मम्मी जी, है ना? कितने कितने का नोट बना रहे हैं पापा? 2000 के कि 500 के? गाइज, सोशियोलॉजी के नोट्स बना रहे हैं। मम्मी से तो जो भी बोलो ना उसको उल्टा जवाब ही मिलता है हमेशा, तो मैं जाके आपको पापा सी से मिलवाती हूँ। हाय पापा जी। हाय बेटा जी। नोट्स हो रहे, बन रहे हैं? हाँ यार, आज एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए कुकू का। मैंने मम्मी से कहा कि पापा जी नोट बना रहे हैं, तो मम्मी बोलती हैं कितने के नोट बना रहे हैं? मुझे पता अरे बाप, इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकती। मैं नकली नोट छाप रहा हूँ। A few moments later, मैम अभी ऐसे टफ देंगी ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। तो गाइस, पांडा आ चुका है घर में और इसका एग्जाम ठीक ठाक ही हुआ है। छोड़ा था उसमें, वो पूरा हो गया। अबे ठीक है यार, पागल। पता है मेरे प्री बोर्ड में कितने कम नंबर आए थे पापा? याद है मैं कितना रोई थी? और तेरे तो प्री बोर्ड भी नहीं है अभी। अब तेरा दिल खुश करने के लिए एक चीज बताऊं, देख हॉटस्टार पे नई है थ्रिलर आई है, हॉरर एंड थ्रिलर। देखेंगे। अच्छा, आपने देखा था? तो मैं वही सोचू इस पे एपिसोड 1 क्यों है। अरे भैया, एक वो होता है जो जमीनों की खुदाई करके रिसर्च करते हैं ना। हाँ। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है। तो वो एक जगह जाता है पहाड़ों के बीच में, सुरंग वुरंग दिखती है। तो गाइस, अभी टाइम हो गया 1:30, मैं स्कूल से आ गई हूँ एग्जाम देके, और खाने में है मलाई कोफ्ता और भिंडी। रोटी कौन बोलेगा, दिखेगा कैसे लोगों को कि रोटी है? रोटी ले ओ गाइस, अंधी भी हो गई है ये। बाय बेटी, टाटा टाटा सफारी, टाटा मांजा। Six and a half hours later. भूत आया। आपको कैसे पता मैं यही बोलूंगी? मैं तो उसकी शक्ल देख के भूतों जैसी बोली। मैंने भी, अरे सेम यार, फक यार। कहाँ गया पर भूत? तो गाइस, टाइम अभी हो रहा है 6 और मैं ना सो गई थी, क्योंकि मैं सुबह से तो नहीं, दोपहर से सीरीज देख रही हूँ जो सुबह मैं पापा और कुकू बात कर रहे थे। और गाइस ट्रस्ट में, वो इतनी बढ़िया सीरीज है ना, मतलब हाँ वो भूत के बारे में ही है। और ये देखो इनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। कॉफी बना दो यार। अरे बेटा नहीं। यार ऐसे गाइस व्लॉग पे भी इतनी बेइज्जती करती है ना मेरी, आप सोचो रियल में क्या ही होता होगा। रियल में तो उसका 3 times ज्यादा है। अभी तो वाली चुपचाप नहीं बोल के चली गई ना, वैसे गाली गलौज भी करती है और देख रही है मुझे बालकनी से। फक यार। तो गाइस, यहाँ पे कुक्कू जी अपनी दुख भरी कहानी बता रही है, जो कि इस लड़की, ये जो लाल वाली लड़की है ना, इसने कुक्कू के साथ कुछ किया था। ये फर्स्ट सेकंड की बात है। बस में मैम की एक परमानेंट सीट थी, मैं वहां पे बैठ गई क्योंकि मैम के साथ कोई एक बैठ सकता था, पर ये भी आके बैठ गई थी। पर तो फिर मैम आई तो मैम ने मेरे को हटा दिया, मैं अंदर बैठी थी। मैम बोलती नहीं 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 तुम जाओ। फिर मेरे को 3 seater पे 3 लोग उस पर ऑलरेडी बैठे थे, फिर मेरे को चौथा मेरे को हटा दिया। कैसे बैठे होंगे ये इस पागल सीन है। कौन है इसको, तो मैंने कभी देखा भी नहीं स्कूल में। ऐसे लोग ऐसा करते हैं। तो जी, शाम के 8 रहे हैं और पापा जी का हमें फोन आया कि हम सब तैयार हो जाएं, क्योंकि हम बाहर राउंड लगाने जा रहे हैं और कुछ टेस्टी सा खा पी भी लेंगे। और पापा जी आके हमें नीचे फोन कर देंगे क्योंकि वो ऑफिस से निकल चुके हैं। गाइस 5 से 6 minutes लगते हैं बस पापा को यहाँ पहुंचने में। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी और कुकू जी तैयार हो रहे हैं, और जैसे ही पापा आ जाएंगे फिर हम नीचे जाते हैं। पापा का फोन आ चुका है, हम जा रहे हैं नीचे। गाड़ी साफ करते हुए, तो गाइस पापा जी अभी गाड़ी साफ कर रहे हैं और जैसी हो जाएगी फिर हम जाएंगे। और मैं कार की जो लाइट्स है उसमें अपना ये वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा हो गई सफाई। नहीं, उससे हो नहीं रहा, वो कपड़ा कॉटन का नहीं है ना। अच्छा, पापा को दूसरा कपड़ा दिया, ये इनको ऊपर ले
लेके चलेंगे तो मम्मी देखो कुकू की ऐश की जिंदगी बेचारी कहाँ है ऐश की कितना पड़ती है। तो पापा जी हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए सबको। बेटा आपने कहा था आज हिमू चीला पे जाना है। हाँ तो मैंने पता कर लिया कहाँ है उसका एड्रेस। अच्छा वहीं ले चल रहा हूँ। थैंक यू पापा। जय माँ की सदा। कितनी सुंदर लग रही है माँ, कितनी सुंदर है ना। वाओ हर जगह लाइटिंग, यूरोप जैसे लग रहा है दिवाली आई गई। मेरे मम्मी रूम में आज लाइटिंग लगाई नहीं। ओए अपन अपने रूम में भी लाइटिंग आज से वार वाली ना। वाओ तो गाइज आज मेरा व्लॉग जो है वो लाइव जाना है 9 बजे, और 9 बजे से पहले तो हम पहुंचने नहीं वाले क्योंकि 8:30 तो अभी हो चुके हैं। तो मैं अभी से ही अपना व्लॉग अपलोडिंग पे डाल रही हूँ क्योंकि गाइज इतना टाइम लगता है ना जब मोबाइल नेटवर्क से उसको अपलोड करो तो आज गाड़ी में ही मुझे डालना पड़ेगा, और तब भी जाके गाइज मुझे नहीं लगता 9 बजे तक डल पाएगा, वो 9:15 तक तो आएगा ही आएगा। तो मैं फटाफट से अभी डाल देती हूँ। आज ही न्यूज़पेपर में आया था कि ग्वालियर सराफे में सारे सराफा व्यापारियों ने मिलकर ये पूरी लाइटिंग लगवाई है और ये 26 अक्टूबर तक लगी रहेगी। कितनी सुंदर है यार। हाँ। मम्मी अपना घर भी यहाँ होता तो अपन दिन भर देख सकते ना लाइटिंग। भगवान बोलो सिर्फ लाइटिंग के लिए तुझे यहाँ कर रही है। तो गाइज यहाँ हमारे मोमोज आ चुके हैं। स्कैनर दे दो भैया। जय भोले बाबा। गाइस रियल के भोले बाबा बैठे हैं यार। मूर्ति है। गाय भी रियल है। नहीं गाय रियल नहीं है। जय भोले बाबा आपकी सदा ही जय। देख के कितना अच्छा लग रहा है यार। मम्मी हार्ड लक। गाइस बंद है यार। शिट ये मुझे लग रहा अपन घर से निकलते नहीं है कि ट्रैफिक जाम पहले लग जाता है भाई। बहुत है, बहुत ज्यादा आज तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। ये देखो गाइस भीड़ लगा के बड़े खुशी में खड़े हैं ये। ये देखो गाइस हंसी देखो चेहरों पे, ये पूरी ट्रैफिक जाम करके। हाय गाइस तो अब आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, और आज का थोड़ा सा छोटा सिंपल सा ही व्लॉग रहा, ज्यादा कुछ कंटेंट मिल नहीं पाया, और हम आते हुए घर लेट भी हो गए क्योंकि आज बहुत पूरे जाम में फंस गए थे और गाड़ी भी थोड़ी खराब होने वाली कंडीशन में आ गई थी, पर भगवान की कृपा से हम घर आ गए ठीक ठाक। और अपना प्यार अपना सहयोग ऐसे ही बनाइएगा, व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। मम्मी क्या हुआ, क्या काम कर रही हो? मैं सोच रही हूँ किचन में जाऊँ, किचन में जाके काम करूँ। बट मम्मी आप इतनी परेशान रहती हो, आप रो क्यों रही हो? अबे मैं रो कहाँ रही हूँ, मुझे लगा तू व्लॉग बना रही है। व्लॉग तो नहीं बना रही, बट पापा कह रहे थे कि आपको कुछ डिप्रेशन है। मेरे चेहरे पे दिख रहा है? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है मम्मी। ठीक है।